चीन ने सीपीईसी परियोजना में जो 60 अरब डॉलर का निवेश किया था वह अब पूरी तरह से डूबता नजर आ रहा है। इसके पीछे की वजह पाकिस्तान का राजनीतिक तौर पर कमजोर होना बताया जा रहा है। 22 मई 2013 को चीन ने भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीईसी की स्थापना की थी, लेकिन इसके पीछे बहाना यह था कि उसने पाकिस्तान की गवादा बंदरगाह से अपने सामानों को अरब सागर के जरिए खाड़ी के देशों उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी यूरोपीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए सिनचांग के कासगर शहर से गवादर तक करीब 3000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाने की महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई है जो अभी तक पूरी नहीं हुई। इसके पीछे पाकिस्तान में चल रही राजनीतिक उठापटक तो है ही, लेकिन इससे भी बड़ा कारण चीन का कम हो रहा खजाना भी है। चीन ने दुनिया भर के कई देशों और क्षेत्रों में अपनी महत्वाकांक्षा परियोजना के तहत अरबों डॉलर का निवेश किया, लेकिन चीन में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के चलते ये परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकी। इसके साथ चीन ने जिन देशों को आसान शर्तों पर कर्ज दिया था वह उसे वापस नहीं मिला, तो चीन ने उन देशों की बंदरगाह, खनिजों से भरी खदानें, हवाई पट्टियां, विशेष आर्थिक जोन को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर ले लिया, लेकिन उनसे भी चीन के निवेश की भरपाई नहीं हुई, जिसका असर चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना पर दिखने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें, दरअसल सीपीईसी परियोजना का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से होकर गुजरता है। यहाँ के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ खास रोष देखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर वर्ष 1948 में अपनी सेना के जरिए जबरन कब्जा कर लिया था, जबकि बलूचिस्तान एक आज़ाद देश बना रहना चाहता था। पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई में उसके सबसे करीबी और ख़ास दोस्त चीन का बड़ा नुकसान हो रहा है। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बिना रणनीतिक सूझबूझ के शुरू कर दी गई, लेकिन अब पाकिस्तान की आंतरिक लड़ाई चीन के न सिर्फ 60 अरब डॉलर डुबोएगी बल्कि भविष्य में चीन के आसान रास्तों से खड़ी देशों उत्तरी अफ्रीकी देशों तक अपना तैयार सामान पहुंचाने के सपने को भी चकनाचूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।